हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय सेल्फ अभिषेक, बिना किसी देरी करते वीडियो को स्टार्ट। सो आज हमारे साथ में खड़ी है KTM ड्यूक 250 2024 का लेटेस्ट लॉन्च है, लेटेस्ट वेरिएंट है। वन बाय वन करके मैं सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करूंगा। मैं आज आपको पांच ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको ड्यूक 250 बाय करनी चाहिए इन 2024। ठीक है, इसके अंदर आपको दो कलर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। एक तो ये कलर है और एक यहाँ पर वाइट कलर भी खड़ा है, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको दो कलर ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिलते हैं। प्राइस की बात करूँ तो इसके 2,90,000 है इन जयपुर। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है प्राइस, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा 1,000 से 2,000 का, बाकी कोई खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस वगैरह की। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में आपको जो है कम्प्लीट यहाँ पे 17 इंच का अलॉय व्हील देखने के लिए मिलता है विथ 110/70 सेक्शन टायर सेक्शन। ओके, यहाँ पे ऑरेंज कलर के आपको अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ। यहाँ पे आपको जो है 4.5 mm की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है कम्प्लीटली, और स्टारफिश आपको अलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर। कैलिबर्स जो है आपको बाइबर्स के देखने के लिए मिलते हैं फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ। डुअल चैनल ABS है बाइक, और इसमें सुपर मोटो ABS भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हो ABS, जब आप स्टंट्स वगैरह कर सकते हैं करो तो ठीक है ना। आपको यहाँ पर जो है कम्प्लीट मडगार्ड जो है आपको यहाँ पर फाइबर का देखने के लिए मिलता है, ऐसी कुछ क्वालिटी का मडगार्ड आपको देखने के लिए मिलता है फाइबर के अंदर। WP Apex के आपको अपसाइड डाउन फोर सिस्टम देखने के लिए मिलते हैं कम्प्लीटली, एंड काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस में मतलब है ये, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड के ये अपसाइड डाउन फोर सिस्टम है। काफ़ी अच्छा आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कॉर्निंग वगैरह करने के टाइम। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ। बात करूँ हेडलाइट की तो ऐसे कुछ आपको हेडलाइट देखने के लिए मिलती है इसकी, जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, रियली गुड है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं अगर बिल्कुल जिस स्ट्रीट पे अगर बिल्कुल भी लाइट्स वगैरह नहीं है तो आपको इससे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये काफ़ी अच्छा आपको व्यू प्रोवाइड करेगी रात के टाइम पर। यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, बात करूँ अब मीटर की तो ऐसा कुछ आपको मीटर देखने के लिए मिलता है इसके अंदर कम्प्लीटली नॉन कलर्ड LCD डिस्प्ले, जो कि आपको काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ से आप कम्प्लीटली ऑपरेट कर सकते हो मीटर को, और यहाँ पे आपको हज़ार लाइट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, हाई बीम लो बीम, एंड यहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है स्विचेस वगैरह की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है स्विचेस वगैरह की। यहाँ पे आपको जो है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसका एक्सीलरेशन जो है काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी अच्छा है। जैसा कि मैं आपको बताऊं तो जैसा आपने सडन एक्सीलरेट करा तो बिल्कुल भी गाड़ी मिसिंग नहीं करेगी, एकदम एक्यूरेसी के साथ में जितना एक्सीलरेटर दोगे उतनी ही गाड़ी जो है रन करेगी। ठीक है, एक बार मैं इसको वापस लगा देता हूँ। सो गाइस, कीज़ की बात करूँ तो ऐसी कुछ आपको कीज़ देखने के लिए मिल जाती है KTM की। इथेनॉल 20 पेट्रोल डाल के भी आप इसको चला सकते हो। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी इथेनॉल 20 की। KTM की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ, और यहाँ पे आपको ड्यूक 250 की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। गाड़ी का जो लुक्स है ना वो काफ़ी शार्प है गाइस, और काफ़ी जो है एरोडाइनमिक बेस्ड गाड़ी बनाई है, मतलब कि जो हवा को एकदम चीरती हुई जाए, और लुक्स बहुत ही शार्प है गाड़ी का। आप ओवरऑल देख सकते हो अपने आपके सामने खड़ी है गाड़ी। अभी बात करूँ फ्यूल टैंक की तो फ्यूल टैंक कितने लीटर का है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 15 लीटर का। सीट्स की बात करते हैं, सीट्स जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल आपको देखने के लिए मिल जाती है। रियर वाली तो मतलब राइडर वाली तो है थोड़ी बहुत कंफर्टेबल, बट पीछे वाली में आपको थोड़ी कुशनिंग करवानी पड़ेगी लॉन्ग राइड्स वगैरह के लिए, क्योंकि इसमें ना भाई बहुत ही ज़्यादा पेन हो सकता है हिप वगैरह में, क्योंकि इसकी जो सीट है वो थोड़ी यार स्टिफ है पीछे वाली। आगे वाली तो कम्फर्टेबल है। यहाँ पर आपको ग्रिप्स देखने के लिए मिल जाएगी सीट्स के अंदर ही, जो कि काफ़ी अच्छी है, जिससे आप बिल्कुल भी राइड करते समय फास्ट राइड करते समय बिल्कुल भी आप स्लिप ना हो सीट से। ओके, आपको ऐसे कुछ जो है मैट फिनिश के अंदर सीट्स देखने के लिए मिल जाती है, और उसके अंदर साइड में स्टिकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं ऐसे कुछ। राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ आपको फेंडर्स जो है वो प्लास्टिक के देखने के लिए मिलते हैं, और ये जो फेंडर है ये भी कम्प्लीटली आपको प्लास्टिक का देखने के लिए मिलता है। ये कम्प्लीट आपको मेटल की क्वालिटी है, मेटल का चैचेस आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर, और यहाँ पर भी आपको कम्प्लीटली मेटल चैचेस देखने के लिए मिल जाता है। WP Apex के आपको जो है शॉकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। राइट साइडेड शॉकर कर दिया गया है अभी, तो पहले बीच में आता था बट अभी उसको हटा के राइट में ही कर दिया गया है, सिर्फ एक सिंगल साइडेड। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है LC4C स्लीपर क्लच देखने के लिए मिल जाता है कम्प्लीटली, जो कि आपको एकदम भाई एक उंगली से भी आप इसको असिस्ट कर सकते हो। बहुत ही स्मूथ क्लच है इसका, 250 cc के हिसाब से बहुत स्मूथ क्लच है इसका। अब मेन बात करते हैं इंजन की, तो आपको इंजन जो है 249 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने के लिए मिलता है विथ 6-speed गियरबॉक्स, 1 down, बाकी सारे आप इसमें गियर सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है कुछ ऐसा इसका छोटा सा एकदम कॉम्पैक्ट सा साइलेंसर आपको देखने के लिए मिलता है। एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है जो कि अंडरबेली है कम्प्लीटली। यहाँ पर राइट साइड से मैं बात करूँ तो आपको 6-speed गियरबॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 down, बाकी सारे आप इसमें गियर सिस्टम है। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है, सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा फीचर्स है। यहाँ पे आपको ऐसे कुछ जो है कम्प्लीटली फुटरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, और पीछे आपको ऐसे कुछ ग्रैब व्हील देखने के लिए मिलती है कम्प्लीटली, जिसकी भी क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी।
पीछे से बात करूँ तो ऐसे कुछ आपको बैकलाइट देखने के लिए मिलती है और ऐसे कुछ आपको इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बहुत ही अजीब सी लगती है ड्यूक 250 के अंदर कि यार ये गाइज ये क्या है, मतलब कि यार इससे ना कीचड़ बाहर जाने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ना कोई हगड़ देखने के लिए मिलता है पीछे की साइड में, तो इससे भी जो कीचड़ है वो सीधा उछल के राइडर या पिलियन पे आता है मड के अंदर, अगर आप चलाते हो ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो। और इसमें भी आपको बहुत ही ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा गैप देखने के लिए मिल जाता है, सो इसकी वजह से भी काफ़ी जो है कीचड़ या पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है। पीछे से बात करूँ तो ऐसे कुछ आपको 17 इंच अलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं कम्प्लीटली, और सेक्शन जो है 150/60 सेक्शन का टायर आपको देखने के लिए मिलता है, 3.5 mm की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है बाइबर्स के कैलिबर्स के साथ में, और आपको यहाँ पे कम्प्लीटली मेटल का अलॉय जो है मेटल का आपको स्विंग आर्म देखने के लिए मिलता है। ट्यूबलेस साइड्स के साथ में आती है गाड़ी, यहाँ पे भी आपको सेम एज इट इज़ फुटरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं काफ़ी डिसेंट से। साड़ी गार्ड की बात करूँ तो ऐसा कुछ आपको साड़ी गार्ड देखने के लिए मिल जाता है, और ओवरऑल जो गाड़ी है ना बहुत ही शानदार है यार। वैसे तो टॉप स्पीड की बात करूँ तो इसका जो है आपको टॉप स्पीड देखने के लिए मिलेगी अप्रॉक्स 140-150 ये चल जाती है, ठीक है। अगर आप विंड की डायरेक्शन भी बहुत मैटर करती है यार टॉप स्पीड के अंदर, अगर आप विंड की डायरेक्शन में भगा रहे हो तो 150 तक भी चल जाएगी है, बट अगर आप विंड के अपोजिट साइड में भगा रहे हो, है ना, विंड के अपोजिट साइड में अगर आप क्रूज़ कर रहे हो तो फिर भाई थोड़ा आपको स्पीड में जो है कम देखने के लिए मिलेगा। माइलेज की बात करूँ तो माइलेज आपको इसका अप्रॉक्स देखने के लिए मिलेगा 30-35, ठीक है, इतना ही देती है गाइस। और हीटिंग इशू आपको हल्का फुल्का देखने के लिए मिल सकता है, जो अभी इसको नई नई लेंगे तो थोड़ा आपको हीटिंग इशू देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर, बट ओवर द टाइम धीरे धीरे कम हो जाता है वो चीज़, ठीक है। और अभी क्या बात कर रहा था मैं कि आपको माइलेज मैंने बता दिया, स्पीड्स बताई थी मैंने आपको कम्प्लीटली। सो गाइस गाड़ी की सेल एंड सर्विस काफ़ी अच्छी है और पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी आपको काफ़ी ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाती है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी पार्ट्स वगैरह अवेलेबल करने में, ठीक है, कंपनी वगैरह आपको आराम से प्रोवाइड करवा देगी। एंड एट दी एंड बस यही कहूँगा कि गाड़ी बहुत अच्छी है, बट अगर आप बिगिनर हो तो मैं यही कहूँगा कि आप यही लो, क्योंकि 250 के अंदर आप बोर नहीं होगे बिल्कुल भी, और काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस और माइलेज भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि 390 तो बहुत ज़्यादा ओवर पावर है और थोड़ी एक्सपेंसिव भी पड़ेगी, बट ये आपको इन बजट आ जाएगी और काफ़ी अच्छी पावर और माइलेज आपको डिलीवर कर देगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आपको कुछ और वीडियो देखनी हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बना दूंगा, और कुछ सजेशन हो या कुछ पूछना हो तो मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप कमेंट कर देना, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, यार मेहनत लगती है बहुत वीडियो बनाने में। थैंक यू।